पारंपरिक फाग गाकर हुआ होलिका दहन, युवाओं पर चढ़ा होली का उमंग। निचलौल तहसील क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा तक होली के पूर्व संध्या पर गाँव में पारंपरिक फाग गाकर होली की शुरुआत की गई, जिसके बाद विधि विधान के साथ होलिका दहन किया गया। जहां युवाओं में होली का उमंग चढ़ा हुआ दिखा, वहीं युवाओं ने होलिका दहन के साथ सेल्फी लेते देखे गए। इस साल होली और शबे बारात एक साथ होने से पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मूड पर है। बता दें कि निचलौल क्षेत्र के अधिकांश गाँव में आज होलिका दहन किया गया, जिसमें बुजुर्गों के साथ युवाओं ने भी भाग लिया। जहाँ बुजुर्गों ने पारंपरिक फाग गाकर लोगों में उत्साह भर दिया, वहीं युवाओं पर होली का उमंग चढ़ा हुआ है। नाचते गाते युवा होलिका दहन के साथ सेल्फी लेते देखे गए। वहीं निचलौल, ठूठीबारी, कोठीबार, चौक पुलिस भी संवेदनशील गांव में सक्रियता बरत रही है। सर्किल के सभी थाना क्षेत्र में सीओ सूर्यवली मोर निरीक्षण कर रहे हैं। ये देखिए, हमारे जनपद में कुल 1213 होलिकाएं चिन्हित की गई हैं, जहां पर पुलिस की ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। साथ ही 12 वफात के संबंध में जिन जिन जगहों पर लोगों द्वारा जाके अपने पूर्वजों के बारे में हैंडल चलाया जाएगा, उसके संबंध में भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। सभी थानों में QRT लगाई गई हैं, हमारी इंटेलिजेंस यूनिट्स को भी अलर्ट किया गया है, और बॉर्डर पर भी जो हमारी केंद्रीय एजेंसी उनके भी साथ समन्वय करते हैं, उनकी के दृष्टिगत सारी तैयारियाँ की गई। लगातार हमारे सारे थानाध्यक्ष, हमारे सभी अधिकारी बन मनशील रहते हैं, सतर्क दृष्टि रखें, और साथ ही जनता से अपील भी है कि इस त्यौहार को सौहार्द से और शांतिपूर्ण रहें, और अगर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो तो तत्काल पुलिस को सूचना दें ताकि हम कलेक्ट कर सकें। सर, हर बार की तरह देखा जाता है कि सड़कों पर हो हल्ला करने वालों ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, बाइक पे स्टंट करते हैं, इन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से व्यवस्था की? देखिए, आज शाम से ही ट्रैफिक की विशेष ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जो सभी प्रमुख चौराहों पर बैरियर के साथ चेकिंग करेंगे, और साथ में हमने ब्रेथ एनालाइजर और बाकी चीज़ें लगाई हैं, और जो खुले में शराब पीने की जो शिकायतें आती हैं उसके संबंध में भी एंटी चेयर अभियान के माध्यम से लगातार चेकिंग आने वाले 3 दिनों में जारी रहेगी, ताकि कहीं भी किसी प्रकार की अभद्र बात या अन्य कोई बात निकल।